Hello everyone, my name is Sam, and I welcome you all to Science Institute of Education, Englify. Now, today we are going to do a writing task too. I know it has been really long time that I wasn't able to make any video for you all. It was only because of the excessive rush that I had for a few months. Uh, so that's why I apologize for that. But today I am back and regularly I will be making videos.

चौथा हो गया थोड़ा अपना कॉन्ट्रास्टिंग एंड कंपेयरिंग कंपेरिंग हो गया एडवाटेज डिसएडवान ठीक है लास्टलेनियर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन सो आज अज कंपेयर टे कॉन्ट्रास्ट करेंगे uh, थोड़ा सा मैं पहले तो कि आई विल बी यू नो स्पीकिंग मोर ऑफ इन इंग्लिश सो दैट एवरीबाडी कैन अंडरसटैंड जिथे मैं लगेगा कि थोड़ी सी ट्रांसलेन है की रिक्वायरमेंट हैगी है मैं जरूर करूंगा ओके okay?

ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਜਵੇਂ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸਤੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੇ ਬੜੇ ਹਾਈ ਫਾਇਦੇ ਵਰਡਸ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਪਾਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਜਾਰਗਨ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਵਿਖਿਆ ਯੂ डोंਟ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਥੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚੈ ठीक है तुम्हें अगर राइटिंग टास्क की चैकिंग भी देख लो उ नहीं लिखे हुआ है कि हाँ इनफर्मिलियर वर्ड्स बहुत ज्यादा ने लोग बहुत लगते हैं मेरे भी स्टूडेंट ने अपने किसी फ्रेंड का फर्दर मैं ऐसे चैक कराया मेरे भी हास हस पागल हो गया कि इन्े वर्ड्स क्या होंगे कि तुम जो वर्ड्स धक्के लिख जाते हो लेकिन नहीं पता कि वो वर्ड आना है कि नहीं आना राइट सो दैट्स वाई यू एंड अप लूजिंग योर मार्क्स लेकिन आके कहें हाँ जी पेपर बहुत वीयू हो मेरा था मैं तो बहुत चंगा स्कोर है बड़े वर्ड्स यूज किए

पर कोई गल नहीं तुसी बेशक पॉज पॉज कर कर के अपना फिनिश कर ले राइट सो इन कंपेयर एंड कंट्रास्ट टाइप ऑफ एसे गाइस आइल्स एग्जामिनर्स वांट्स यू टू डिस्कस द पॉइंट्स ऑफ कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग ठीक है उन्होंने पॉइंट्स देखने के तुसी केड़े कंपेयर करोगे ते किमे कंट्रास्ट करोगे कंपैरिजन हो गया जदों कोई चीज सिमिलर होंदियां ने ठीक है कंट्रास्टिंग हो गया जेडी चीज डिफर कर दिया ठीक है आप कभी भी कंपेयर तो कंट्रास्ट में एक चीज़ नहीं समझना आप कहना कि हाँ जी मैं कंपेयर कर रहा है कि वो वजी है तो मैं घटिया ठीक है या ये चीज बहुत चंकी है ये चीज़ बहुत बुरी है एक कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो तुम कंपेयर नहीं कर रहे कंपेयर करेंगे आप हमेशा पॉजिटिव चीज वो नदी पढ़ा मैं उसको ज्यादा वीयी पढ़ा ठीक है तो आप इज गुड कंपेयर राइट दैट इज अ अंपेरिजन यू आर डूइंग ठीक है तो सो आयल्स एग्जामिनर्स वॉन्ट यू टू डिस्कस द पॉइंट्स ऑफ कंपेयरिंग and contrasting the two things, there are similarities and differences between the two. therefore, it is important that you find out relevant points of similarities and differences of the two mentioned things after reading the question of IELTS wedding. okay, so let's see how. let's look at an example, a example and a topic the a topic i have, you IELTS. task to, to them, the topic area, some people, because some people want to live in a house,

दैट सम पीपल एथन देखो कुछ है लोग अंदर डिफरेंस आ गए कुछ लोग ही चाहते हैं कि वो कर रहे हैं हाउस हो गया ग्राउंड अर्थ है कुछ लोग ऑन दी अदर हैंड दे प्रिफर टू लिव इन अपार्टमेंट्स जो फ्लैट्स हो गए ठीक है हम आप क्विकली थोड़े दिमाग वोकैबरी इन चाहिए हैगी कि अपार्टमेंट में आप की कह सकते हैं इंग्लिश अंदर लाइक स्काई स्क्रैपर्स यू नो देयर आर लाइक हाई बिल्डिंग्स एडिफिस ओके ई डी आई एफ आई सी ई एडिफिस दैट्स आल्सो अ टॉल बिल्डिंग राइट ते हुन high -rise क्या जो चीज होंगी है तो आप फायदे लगते हैं तो ही चीज हो रही है हर बार ये नहीं होंगे कि कोई चीज हो रही है तो नुकसान ज्यादा होते हैं आई मीन इफ over here. Some people want to live in a house.

okay always remember whenever you write your topic in task two specifically i mean always present an argument in your both body paragraphs go for four paragraphs only right very rare people would uh, you know choose to make third body paragraph i would recommend don't make it you're only wasting your time nothing else right no matter whatever topic it is you gotta make only two body paragraphs introduction BP1, BP2, conclusion. That's it. End of it. I mean, you're going there to write up a, an essay in 40 minutes or 30 minutes. You're not going to do their thesis or something. You don't have to win an award, right? You just have to get a higher band score, right? So understand no matter whosoever tells you, you know, make five paragraphs, et one body paragraph, banana, Nowhere you can find on the internet even. <laughs> Excuse me. So, benefits of living in a house, let's say. तो आप बहुत जरूरी है एंड लाइक फॉर यू एंड क्योंकि तो को ऐसा ऐसे है लिखा लिविंग इन हाउस ब्रिंग मोर एडवाटेजेस आंसर आएगा यसर अंदर तो इस करके ओपीनियन वाला ऐसे हो गया ठीक है चलो अगे देखिए हाउ टू स्ट्रक्चर आपराग्राफिंग कि देखो अब जिम्मे मैं तुम चार पैराग्राफ्स मोर देन सफिश So first one is introduction. Obviously, any essay you would write, always start from introduction. Never start your essay from nowadays, these days, blah, blah, blah. These are over-generalized expressions. I mean, come on, why are you choosing to lose your score right from the beginning? Benefits of living in a house or apartment, issues of living in a house or apartment, whichever you would choose, and finally, conclusion and give your opinion. Try, guys, to give your opinion. <clears throat> if it's an opinion-based essay.

ठीक तो है क्योंकि को मार्किंग होंगी है तीन तीन स्कोर के हिसाब से हर एक जैसे तोड़ा अपना कोई रन नौ स्कोर है। बैंड नहीं नौ स्कोर डिवाइड होंगे तीन पार्टी जिन तीन तीन वो थोड़ा बन तिना एक है क्या स्टूडेंट ने अपना ऐसे फॉलो किया जरा उन्हें मैनशन किया पहले यानी पहले मतलब क्या ओपीनियन जब पहले दिता है उसी फॉलो किया इवें करके थोड़ा बेसिकली टास्क रिस्पोंस पहला

i wouldn't say it's recommended or it's like you know like really necessary it's up to you if you want to make a good general statement banana chahnde ho banao lekin oh tado banao je twadi topic de naal link hove वैसे ना कुछ छड़ना हवा थे फॉर एग्जाम्पल नो बडी यू नो डिनाई द फैक्ट दैट हाउस इज आर वेरी इंपॉर्टेंट भाई क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो दस ही नहीं तुसी। वो रीजन दे दो फिर थोड़ा लिंक बन जाएगा ठीक है लिंकर प्लस जनरल पैराफ्रेज का क्वेश्चन ये बड़ा इंपोर्टेंट है क्वेश्चन पैराफ्रेज करो वर्ड टू वर्ड ना उतारना जो टॉपिक आंदा है कोशिश करो कुछ कुछ अपने शब्द लिखो थर्ड आउटलाइन तो की कहना चाहते हो इस ठीक है उसमें बॉडी पैराग्राफ वन ठीक है उस तो लाइन छड़ के बॉडी पैराग्राफ शुरू करोगे हम आप अपार्टमेंट बारे मैं थे ऐसे से कुछ लिखूंगा तो मैं इस अंदर अपार्टमेंट्स लेके आऊंगा ठीक है स्टेट द बेनिफिट ऑफ लिविंग इन अपार्टमेंट एक्सप्लेन हाउ इट इज बेनिफिशियल एक शॉर्ट समरी दवांगे आपा थे एग्जांपल दवांगे ए तोडा हो गया वेल डेवलप्ड रिस्पांस जे तुसी देचो कुछ भी देखो नॉर्मली अपना इंटरनेट देख लो थोनो तो मिलेगा स्ट्रक्चर पी टी हां पी ई सॉरी एंड पी ठीक है पीईई पॉइंट एक्सप्लेन एग्जाम्पल जे बैंड बैंडेड स्ट्रक्चर कितने सर्च करोगे तो ए भी आ जाएगा शॉर्ट समरी अपना रिजल्ट कोई कंक्लूजन उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का जो तुम लिख दोगे थोड़ा ज्यादा स्कोर आएगा एनू आप कहने बैंड एड स्ट्रक्चर पॉइंट एक्सप्लेन गिव एग्जाम्पल एंड शॉर्ट समरी ठीक है सिमिलरली यही फॉर्मूला चलनाग्राफर लिखा बारे इशूलूजन कंकलूजन अंदर अपना लिखोगे सिद्धा समरी ऑफ द मेन पॉइंट टू कंकलूड विच इज बैटर एंड वाई अगेन रिफ्रेस कर देंगे जो आप लिखिए इंट्रोडक्शन चलो उन आप देख हैं ठीक है ऐसे लेट्स रीड सो फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी व्हाट इज द वोकैबुलरी दैट वी कैन चूज टू राइट इन कंपैरिजन एंड कंट्रास्टिंग टाइप ऑफ एसेस सो फर्स्ट एंड फॉर मोस्ट यूजफुल वोकैबुलरी फॉर कंपैरिजन पॉइंट्स लाइकवाइज सिमिलरली आल्सो टू बी द सेम एज बोथ एंड नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो टू बी अलाइक दोनों मिलते जुलते हैं राइट जस्ट लाइक टू बी सिमिलर हम इतने याद रखो ए जस्ट लाइक शायद मैं कहो कि मैं अपनी क्लास में हमेशा कहना आप लाइक नहीं यूज करना पर आप लाइक कहना राजे लाइक आपको यूज नहीं करना वाइल गिविंग एग्जाम्पल आपको लाइक नहीं यूज करना उदी बजाय एज यूज करोगे ठीक है कर क्योंकि लाइक वर्ड होंगे इन फॉरमल वाइल गिविंग एग्जाम्पल इतने आप जस्ट लाइक यूज कर रहे क्योंकि आप मैच कर रहे एग्जाम्पल नहीं दे रहे सिमिलैरिटी बना रहे हैं। ठीक तो है तो इस करके देखो थोड़ा नाउन है टू बी सिमिलर टू सिमिलर टू राइट टू कंपेयर विद ना यूजफुल वोकैबलरी फॉर कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट जो आप डिफर करा इन कॉन्ट्रास बाय कंपेरिजन इन कंपेरिजन ऑन द अदर हैंड वेयर एज वाइल हाउ एवर बट टू डिफर फ्रॉम टू बी डिसिमिलर टू टू बी डिफरेंट फ्रॉम एंड टू बी अनलाइक ठीक है तो आप करेंगे अपना वेन यू आर चूजिंग टू स्पीक टू राइट अबाउट योर आप वेरी करेंगे अपने ठीक है चलो क्वेश्चन फिर रीड करिए सो सम पीपल वॉन्ट टू लिव इन हाउस वैल अदर्स प्रिफर लिविंग इन अपार्टमेंट डज लिविंग इन अ हाउस ब्रिंग मोर एडवाटेजेसार्टमेंट लिविंग इन अ हाउस ज्यादा फायदे है

It means that nobody can deny this fact. So there is no controversy in something, right? So, which means it's a proven fact. It is incontrovertibly true that home is one of the most valuable possessions. It contains all the belongings, memories, and comforts. इस करके वैल्यूएबल पोजेशंस है मैं तो याद मैं क्या सी आई है मोस्ट वैल्यूएबल नाउ आई हैम मैं इतना हाउस भी नहीं कह रहा ठीक है होम अपार्टमेंट भी हो सद होम हाउस भी हो सकता है ठीक है थेके? तो मैं होम नह रहा कि आपकी अपनी छत ठीक है अपनी छत इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल क्यों इट बेस्ट so, क्योंकि कुछ लोग इतना रहना चाहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी बढ़िया नहीं है समाज का अपार्टमेंट बढ़िया है तो आप कह ना इट इज ऑफ़न आर्ग्यूड आरग्यूड इट इज आर्ग्यूड ए वोकैबुलरी है मेरी विडियो दूसरी वोकैबलरी सारी कराई हुई है कि आपने कह सकते हैं

Houses ना लो, पता चल गया कि मैं इस ऐसे कहना चाहता हूं।, हूं कि भी ज़्यादा है, ठीक बीपी वन आ जाओ उन सब तो पहला आप लिंकर शुरू करें कभी भी ऐसे ना ऐसे शुरू करो ठीक है लिंकर से तो स्कोर मिल Lexical resource दे अंदर ठीक है टू इनिशिएट अपार्टमेंट्स आर यूजुअली गेटेड यूजुअली गेटेड कम्यूनिटीज हम

आर मोर सिक्योर यूजली गेटेड कम्यूनिटी हम एडवर्ब ए, adverbs, ए बड़े काउंट होंगे दे, तो, क्यों? देखो ये एडवर्ब्स है दस देखनी प्रॉबेबिलिटी है कि शोर हो ठीक है तो, तो आप यूजअली कह रहे हैं इस करके आप कह रहे कि हाँ जी हर किते गेट लगे ही होंगे ठीक है सो इट्स नॉट नैसे दस आर मोर सिक्योर आपा इस चीज करना आप जगह का कहता कि हाँ जी जी है गेटेड कम्यूनिटीज होंगी इस अंदर यही साबित करना सिक्योर कि डेवलपमेंट समझो कि आप डेवलप कि पॉइंट क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ज्यादातर अपना लिख जाते हैं पॉइंट परसपलेन नहीं कर पाते करना आपू एग्जैम्पलीफाई मोस्ट अपार्टमेंट्स

right so you must have seen whenever you go to any apartment obviously the people who are living there already they would have some kind of access cards you know or a sticker at least that shows the gatekeepers that this car actually belongs to this apartment and obviously the residents inside now in other words in other words is a very good expression to write on the other side any visitors or guests will first have to go through the security

राइट चिल्ड्रन किड्स नहीं कभी लिखना ठीक है इनफॉर्मल सो रिक्रेशनल एरिया फॉर चिल्ड्रन स्विमिंग पूल्स स्पोर्ट्स क्लब हाउसेस एंड सो फोर्थ सो फोर्थ मींस सो ऑन राइट सो आई एम जस्ट राइटिंग सो फोर्थ वन डज नॉट हैव टू ठीक है वन डज नॉट हैव टू ट्रैवल आउटसाइड ऑफ योर होम टू एक्सेस दिस फैसिलिटीज सो देखो नाली मैंने शो कर रहे हूं ठीक है तो ए प्रॉब्लम होगी जेडे अपार्टमेंट्स है उस अंदर ऑलरेडी है उन देखो वन डज नॉट इतना मैं वन डज आ रहा है सिंगुलर चल रहा है तुसी कि सर फिर कहोर इतर क्यों पाए देखो राजा क्योंकि आयोजन कहें कि अभी भी प्रनाउन नहीं यूज करना ही हर राइट शी आप नहीं यूज करना ठीक है सो इस करके वन डज नॉट ना वन डज नॉट इज ड मीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन ऑब्वियसली एवरी इंडिविजुअल स्पीकिंग अबाउट

क्योंकि पता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत जान नहीं देंगे अंदर बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिलती सो पेरेंट्स फील इट इज सेफर फॉर देम टू अलाउ दियर चिल्ड्रन टू प्ले फ्रीली विदाउट एनी सुपरविजन पेरेंट्स कोई सुपरविजन करने की लड़ नहीं पेगी जे पेरेंट्स चाहते हो वर्ड मैं तो दस दना ठीक है उन्होंने आपने प्रो जेनीटर

ऑन द अदर हैंड फिर तो राजे आप ही लिंकर राइट हम क्योंकि आपने सो ऑन द अदर हैंड हैविंग अ हाउस ब्रिंग्स इनॉर्मस बेनीफिट अवॉइड राइटिंग वेरी ठीक है या अलॉट ऑफ अलॉट भी ये दोनों भैन भरा ही है यानी इनफॉर्मल है ठीक है तो इन भी आपको अवॉइड करना राइट सो ऑन द अदर हैंड राइट ऑन अदर कभी भी द ना कहना ऑन द अदर हैंड बिकॉज आ रही हैंड right? है on द वन हैंड उ आप द बोलों क्योंकि जरा वह एनी है भावे वो, है o, लेकिन साउंड शुरू हो रही है व तो वह हैट इस करके कहने ऑन द वन हैंड इन आप कहों ऑन द अदर हैंड इस स्पीकिंग बड़ा

ठीक है कि डी हाउस की प्राइस ज्यादा होंगी है द लिविंग कोस्ट ऑफ मंथली मेनटेनेंस इतना हाउस इज लोअर जब लिविंग कॉस्ट हैगी घर अंदर रहन की है ठीक है दैन हम आप उ पहला मैनशन किया हाईयर कैपीटल गेन ठीक है इतने कंपेरिजन करो दो दैन इन एन अपार्टमेंट ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਏ ਘੱਟ ਹੈ ਓ ਕੰਪੈਟਿਬਲੀ ਘੱਟ ਹੈ ਓਕੇ ਵੇ ਐਸ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਥਲੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ राइट right? हाँ ठीक है माली रख लिया वो तो अपने पैसे पे कर रहे हो बंदा वेरिएशन आ सकती है बट अपार्टमेंट अंदर तो एक प्राइस सेट मिलता है वही तो उन्हें पे करना है सारे लिए वही चल रहा है लास्टली लास्ट पॉइंट लिखने ली अनदर कंजंक्शन last लगाया सम एशलंस एशलंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल सम एशलंस बिलीव दैट इट इज सेफर टू लिव इन अ लैंडेड हाउस हम देखो पहला आपका क्या सी डिटैच्ड हाउस उन्होंने आपका कहता लैंडेड हाउस

ठीक है बजाय कि फटाफट अपने निकल जाना है। पर जो अपार्टमेंट है अपनी लिफ्टी लिफ्ट आकड़े लिफ्ट सारे हर एक फैमिली सोचेगी हर एक लैवल फटाफट अहर निकली है However, क्योंकि मैं इस पॉइंट चल रहा ठीक है कि घर के बेनीफिट मेनू लगते हैं तो मैं पॉइंट ब्रेक करूँ उन्होंने हाउएवर सोशलाइजिंग अमंग नेबरहुड इज नॉट दैट मच एज कंपेयर टू पीपल लिविंग इन अपार्टमेंट्स सोशलाइजिंग इन ज्यादा नहीं होंगी उठीक है एज कंपेयर टू पीपल लिविंग अपार्टमेंट्स क्यों क्योंकि ओबियसली तो जो कॉमन एरियाज अंदर मिलते हो सारे तो उमन एरिया अंदर तुसी अपना गलबात करते हो बैठ दादा ऑपरचुनिटी है सोशलाइजिंग बच्चे आपस में बड़ा खेडते हैं सब कुछ होंगे

ठीक है ए क्यों आएगा? क्योंकि ए बिग लार्ज ह्यूज अनकाउंटेबल नाउन है ठीक है तो इस करके थोड़ा आर्टिकल ए आएगा बिग दा ए नहीं पता कि चंक लग गया, ठीक है कितना ज़्यादा पैसा लग गया? है? सो इस करके बिसाइड हाउस ओनर है बिग चंक ऑफ मनी टू रिप परचेज एग्जॉर्बिटेंट इक्यूपमेंट्स एग्जॉर्बिटेंट का मतलब है, हाई प्राइस ठीक है so to purchase exorbitant equipments for their children recreation at home bacche jehde ghar khedna pasand karde ha unna layi kafi vadda paisa lana penda hai kardeyan nu koi playing activity li koi toys leke aa rahe ha you know koi slides leke aa rahe ha koi oh jehda apna chhota plastic da basketball da honda oh leke aa rahe to matlab kafi paisa spend karde karna penda hai unno bachche layi whereas jehde apartments rehnde ha unna nu koi karne de load nahi kyonki utthe already activities mildi ha

फ्रॉम आसपैक्ट्स ऑफ गैटिंग ग्रेट कैपिटल टू सेल डिजास्टर ठीक है हम आप ग्रेट कैपिटल टू सेल डिजास्टर पर बट लिविंग इन अपार्टमेंट एनहांसिज वै सोशल इंटरैक्शन एंड एडस मोर एक्साइटमेंट टू लाइफ ठीक है ओबियसली बच्चों ज्यादा एक्साइटमेंट होगी जो गेम्स खेल उ अपने एरिया अंदर ही Right. So this is how you can just bring in your essay, guys, writing uh, conclusion and all. <clears> okay. <throat> compare contrast. Always remember that when you are writing, make sure to write the benefits as well as you need to somewhere compare also and contrast. This is how you present. Both things need to be mentioned somehow. Better you write, obviously, the better score you get. Okay. We have, uh, newly started a batch on our application. Now, Android application that you should download. type. To see up classes less of We have reasonable packages going on. Take care. Web LVA. If you want to join through your laptop or computer, right. You can just type in HTTPS, Inglify, .com, Right. And just, uh, you can uh, register yourself with us and Practice daily. Now see how I do is every single day I take personally classes. Okay, of all the batches like I have three batches going on currently. So उस अंदर अपन ऐसी चीज का अंदोम मैं हर daily एक दिन writing task थे, एक दिन speaking थे, लेकिन थोड़े चारो modules मैं daily करवाना हूँ. Alright? So ये थोड़े ऊपर है. If you want to spend you know time on all those modules, because I start from nine o'clock in the morning till twelve o'clock. Right? तो उस अंदर मैं कोशिश करता हूँ मैं तीन modules का cover करूँ. Reading the discussion, right? Writing task one, task two, speaking 101 on one the recording feedback soon They can work accordingly. Right. I also take combined sessions of speakings whereby I give you some idioms, some expressions, and how you can present yourself in a better way in front of the examiner and how quickly you can grasp your band scores. Right, guys. So that would be all for today. Have a lovely day ahead. Thank you so much.